हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रैंडम स्टडी पर। तो आज हम जानेंगे एक्टिव एलिमेंट और पैसिव एलिमेंट्स के बारे में। बेसिकली हमारे पास दो तरह के एलिमेंट होते हैं जो कि यूज़ होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में। पहला इसमें आता है हमारा एक्टिव एलिमेंट और दूसरे आते हैं हमारे पैसिव एलिमेंट्स। पहले हम बात करेंगे एक्टिव एलिमेंट्स के बारे में। एक्टिव एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स या कॉम्पोनेंट्स होते हैं जो किसी सर्किट को एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं किसी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी की मदद से, और कंट्रोल करके रखते हैं चार्ज के फ्लो को। यानी कि इन कंपोनेंट्स की मदद से हम अपने सर्किट की एनर्जी रिक्वायरमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं, और सभी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में कम से कम एक एक्टिव एलिमेंट का होना ज़रूरी है दोस्तों, अगर हमें उसे रन कराना है। तो हम यहाँ पे जानते हैं एक एग्ज़ाम्पल की मदद से। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे ये जो एक्सटर्नल सोर्स दिख रहा होगा, एक जो कि सर्किट कनेक्ट है जिससे हमारे एक्सटर्नल सोर्स से, जो हमारा एक्सटर्नल सोर्स है वो इसको एनर्जी प्रोवाइड करा रहा है सर्किट को। तो इसमें सर्किट के अंदर जो हमारे एक्टिव एलिमेंट्स होंगे उनको रिक्वायरमेंट होगी एनर्जी की, जो कि उसको मिल रही है एक्सटर्नल सोर्स से, और इन्हीं एलिमेंट्स को हम एक्टिव एलिमेंट्स बोलते हैं, जो जिनको बेसिकली एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है किसी एक्सटर्नल सोर्स से, जैसे कि फॉर एग्जांपल ट्रांजिस्टर्स, डायोड्स एट्सेट्रा। हम बात करते हैं पैसिव एलिमेंट्स की। पैसिव एलिमेंट्स में जो कि सिर्फ एनर्जी को रिसीव करते हैं और उस एनर्जी को स्टोर कर लेते हैं या फिर उसको डिसिपेट यानी कि बाहर निकाल देते हैं, और ये जो एनर्जी को स्टोर करते हैं वो हमेशा या तो करेंगे किसी मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में। और जो मेन रीज़न है इनको जो एक्टिव एलिमेंट से अलग बनाता है वो ये है कि इनको अपने ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए किसी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती, जबकि एक्टिव एलिमेंट्स में एक एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए और सर्किट तक एनर्जी को पहुँचाने के लिए, जबकि जो पैसिव एलिमेंट्स हैं वो चार्ज को डायरेक्टली स्टोर कर लेते हैं। और फॉर एग्ज़ाम्पल रजिस्टर्स, इंडक्टर्स एंड कैपेसिटर्स। तो अब हम आते हैं कंपैरिजन चार्ट की ओर। पहला हमारा कंपैरिजन है रिक्वायरमेंट ऑफ एक्सटर्नल सोर्स। जो हमारे एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं उन्हें किसी सोर्स की ज़रूरत होती है, किसी एक्सटर्नल सोर्स की ज़रूरत होती है अपने ऑपरेशंस को कंडक्ट कराने के लिए, जबकि जो पैसिव एलिमेंट्स होते हैं उन्हें भी किसी भी एक्सटर्नल सोर्स की आवश्यकता नहीं होती। दूसरा, फंक्शन ऑफ द कॉम्पोनेंट। एक्टिव एलिमेंट्स एनर्जी को इंट्रोड्यूस कराते हैं सर्किट के अंदर वोल्टेज या करंट की फॉर्म में, जबकि जो हमारे पैसिव एलिमेंट्स हैं वो उस एनर्जी को स्टोर करने के काम में आते हैं। जो हमारे एक्टिव एलिमेंट्स हैं वो करंट के फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं, जबकि जो पैसिव एलिमेंट्स हैं वो ऐसा नहीं कर सकते। कैटेगराइज्ड एज एक्टिव एलिमेंट्स, जो एक्टिव एलिमेंट्स हैं वो हमारे नॉन लीनियर एलिमेंट्स होते हैं, और जो पैसिव एलिमेंट्स हैं वो हमारे होते हैं लीनियर एलिमेंट्स। पैसिव एलिमेंट्स से मतलब यहाँ पर यह है दोस्तों कि जो पैसिव एलिमेंट्स हैं वो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, यानी कि अगर वोल्टेज वेरी होगी तो करंट भी वेरी होगा। जैसा कि आपको पता है ओम्स लॉ वी इक्वल्स आई आर, या फिर वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। तो यहाँ पे अगर वोल्टेज वेरी करेगी तो उसके साथ साथ करंट भी वेरी करेगा। तो जो एक्टिव एलिमेंट्स हैं हमारे वो नॉन लीनियर एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते, जबकि जो पैसिव एलिमेंट्स होते हैं वो लीनियर एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि वो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। और एट लास्ट इसके एग्जांपल, एक्टिव एलिमेंट्स के एग्जांपल हैं डायोड, ट्रांजिस्टर, ऑपरेशनल एम्पलीफायर, जबकि जो पैसिव एलिमेंट्स हैं उसके एग्जांपल रजिस्टर, कैपेसिटर एंड इंडक्टर। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हैव अ गुड डे।